घर की मुर्गी दाल बराबर, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। जब मैं नहीं होंगी ना तब पता चलेगा। अगर आपने ये बातें बोली नहीं हैं तो सोची तो ज़रूर होंगी, क्योंकि हम सब कभी ना कभी काफ़ी बेकदरा फील करते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी करेंसी हों और बाकी सब डॉलर्स, पाउंड स्टर्लिंग, रियाल वगैरह। अगर आज आप ऐसा फील कर रही हैं, ऐसा नेगेटिविटी का दौरा पड़ा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यू मस्ट लर्न टू फाइंड दैट सेल्फ वर्थ। तीन बड़े ही आसान तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को अपनी ही नज़रों में बेहतर फील करा सकते हैं, अपनी कदर का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड दैट इज़ डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग वैल्यूएबल। सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है कि नासा में एक शख्स मॉप लगा रहा था फ्लोर पे, और किसी ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा कि जी मैं लोगों को चांद में या फिर खला पे भेजता हूँ। तो इट इज़ नॉट रियली व्हाट यू डूइंग, लेकिन आपका अपनी नज़र में अपने बारे में क्या ख्याल है। व्हाट इज़ योर पर्पस, आप अपनी कितनी कदर करते हैं, अपने काम को कितनी कदर की निगाह से देखते हैं। एक खातून खाना अगर सुबह उठकर किचन में जाती है, नाश्ता तैयार करती है, और उसकी वजह से घर का निज़ाम बिल्कुल सही चल रहा है, उसके बच्चे स्कूल पे टाइम पे पहुंचते हैं, उसके हस्बैंड काम पे जल्दी पहुंच जाते हैं, तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है इन कीपिंग द हाउस रनिंग। लेकिन अगर इसी चीज़ को मुंह बसोर के ये सोच ले कि नहीं जी मैं तो बस कुछ नहीं करती, पूरा दिन घर पे रहती हूँ, खाना बना लेती हूँ, और उसको लोग कदर की निगाह से भी नहीं देखते, तो यकीनन वो सबसे पहले अपने आप को खुद अपनी नज़र में डीवैल्यू कर रही है। और यही हाल हमारे प्रोफेशनल्स का भी होता है। कभी कभार टीम्स में काम करते वक्त हमें ये फील होता है कि भाई क्रेडिट तो सारा बॉस ले जाते हैं, सारी बोनसेस उनको मिल जाती हैं, तारीफ़ें उनकी हो जाती हैं, और हम तो छोटा मोटा सा एक पुर्जा है इस बड़ी मशीन में। इट इज़ रियली हाउ यू सी योर सेल्फ जिसकी वजह से आप लोगों के परस्पेक्टिव को डिवाइस करेंगे। सबसे पहले अपने आप को खुद कदर की निगाह से देखिए, एंड दैट इज़ द फर्स्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका बहुत आसान है, जिसका हम सबको बार बार कहा जाता है, एंड इट इज़ टू कीप योर प्रोमिसज। अपने वादों को निभाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं है या लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देते, एक फैसला जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने किसी से कोई भी प्रॉमिस किया है, एक छोटे बच्चे को कहा है कि आज मैं स्कूल लेने तुम्हें खुद आऊँगी, या फिर उसको प्रॉमिस किया है कि आज जब वो वापस आएगा तो उसकी फेवरेट चीज़ बनाई जाएगी, लर्न टू कीप दोज प्रोमिसज। एंड द सेम गोज फॉर एवरीबडी इन आर सोसाइटी। अम्मी अबू को भी ये ख्याल रखना पड़ता है, साथ में हस्बैंड एंड वाइफ को भी ये ख्याल रखना पड़ता है, बॉसेस को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने टीम मेम्बर्स को वो कैसे ट्रीट करते हैं। एक बोर्ड अगर आपको कोई टास्क देती है, कोई प्रोजेक्ट देती है, और आखिर में आपको इंसेंटिव प्रोमिस किए जाते हैं, ज़रूरी है कि वो अपनी कही हुई बात को निभाएं। दैट इज़ वॉट मेक्स अ पर्सन ट्रूली रिलायबल, और इसी से उसकी कदर अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी बढ़ती है। अगर दुनिया आपके अगेंस्ट हो भी जाए, अगर आपने अपना वादा निभाया है तो आपका ज़मीर मुतमईन रहेगा। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जो भी किसी से वादा करें, फैसला करें, उसको आप आखिरी वक्त तक फॉलो ज़रूर करें। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी आजकल वैसे ही बड़ी चर्चा है। हम बात कर रहे हैं जी एहतसाब की, यानी अकाउंटेबिलिटी की। अक्सर जब हम दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो हमारी कदर करें, इन अदर वर्ड्स हम अपनी सारी की सारी पावर एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, यानी हम अपने आप को उसी वक्त पसंद करेंगे जब लोग हमारी कदर करेंगे। बहुत अहम है कि हम अपना एहतसाब खुद करें। अक्सर हमारी ज़िंदगियों में जो कमी होती है, जो चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, उसका ब्लेम हम दूसरे पे देते हैं। लेकिन अगर आप देखें, सक्सेसफुल लोगों की ये पहचान होती है कि उनको कोई भी चीज़ गलती नहीं लगती। इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ ओनली अ लर्निंग। तो अपना एहतसाब कीजिए, कहाँ आप अपनी पावर दूसरों को दे रहे हैं, कहाँ आप अपने इमोशंस की ड्राइविंग सीट पे किसी और को बिठा रहे हैं। इफ़ यू फॉलो दीज थ्री वेज, आई एम श्योर कि आप ज़्यादा वर्दी फील करेंगे, एंड योर सेल्फ वर्थ इज डेफिनेटली गोइंग टू क्लाइंब अप। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई बी मेकिंग मोर कॉन्टेंट फॉर यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी योर पार्टनर इन मेकिंग यू योर बेस्ट वर्जन। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।